पूजा पटेल मृतक मेरे डीजी है और ये कल की घटना है रात की। उसके पति जो मिलिट्री में नौकरी करते हैं वो आए हुए थे पिछले 10 दिन से। शादी से 6-7 साल का शादी तो हो गया, शादी के समय से ही उसके पति ससुर सास और ननद द्वारा उसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था और विगत कई वर्षों से वो इसकी सूचना दे रही थी। कई बार हम लोगों ने समझौता कराने का भी प्रयास किया और समझौता से बात बन नहीं रही थी, लेकिन लोक लज्जा को देख करके ये लग रहा था कि अब सुधर जाएगा और इस प्रकार से ये चलता रहा। जिसका जो पूजा का पति है अरविंद पटेल का एक दूसरे लड़की के साथ अवैध संबंध है और वो रीवा में रहती है और जब भी वो छुट्टी से आता था तो घर न रह करके वो उसके साथ रहता था। इस बात को लेकर के पूजा भी कई बार आपत्ति थी और उसका ससुर भी पूजा को मारता था, इसकी बात काफ़ी थी। कल वो शाम को कहीं से गया और दोनों बाप और बेटे और उसकी पत्नी और पूजा की ननद, ये चारों लोग मिल करके उसको राड और सब्बर से मारपीट की है और मारपीट करने पर उसकी वहीं पे घटना स्थल पर ही मृत्युकारित हो गई। मृत्युकारित होने के बाद इसका पूजा का जो ससुर है उसने मृतिका के भाई को जो बाहर नौकरी करता है प्राइवेट, उसको सूचना दिया कि तुम्हारी बहन को भैंस ने मार दिया, ख़त्म हो गया। तब उन्होंने घर में सूचना दिया और घर के लोग वहाँ पे रात में ही 10 बजे घटना स्थल पर पहुँचे, जहाँ देखे कि पूजा को मृतक अवस्था में एक तख्ता पे लिटाया हुआ था और उसके पूरे बॉडी से खून बह रहा था। उसी समय पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी वहाँ पहुँची और पुलिस ने वहाँ तत्काल दो लोग मिले, अरविंद पटेल उसका पति और ससुर, जिसको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया तथा रात भर घर के लोग परिवार के लोग वहाँ रुके रहे और सुबह हम लोग भी घटनास्थल पर गए और पुलिस अधीक्षक रीवा और DSP हेडक्वार्टर रीवा को इसकी जानकारी दी, जिसमें TI रायपुर प्रतिज्ञान द्वारा हेड ऑफिस जानकारी दे करके फॉरेंसिक लैब और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को वहाँ पे जांच के लिए बुलाया। जब वहाँ जांच हम लोगों ने घटनास्थल पे देखा जा करके तो प्राइमर फेसी ही जिस प्रकार से ब्लड बह रहा था, उसकी चोटें थी, उससे लगा कि कोई भी जानवर के सिर मार देने से इस प्रकार की चोट। क्या घटना हुई है आपके? हमारी बच्ची के साथ में मारपीट हुई है, मारपीट के बाद मारपीट से उसकी मृत्यु हो गई है। ये कब की घटना है और कहाँ? ये ग्राम परसा की है। उसके पति का नाम अरविंद पटेल है और ससुर का नाम है मोतीलाल पटेल। इसकी शादी आज से 7 वर्ष पूर्व की गई थी। शादी करने के 1 वर्ष बाद से ये प्रताड़ित करने लगे थे, काफ़ी सताते थे और इसकी ननद पुलिस में सर्विस करती है और वो जब भी घर आती थी काफ़ी परेशान करती थी और सास परेशान करती थी। इसका जो ससुर है तो ससुर कम मैंने वो गलत निगाह का था और हमेशा इससे गलत बर्ताव करता था, प्रताड़ित करता था और हमेशा धमकी देता था कि तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं चलोगी तो तुमको घर में नहीं रहने देंगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसको मार डाला। आप जब घटनास्थल पर पहुँचे तो क्या क्या कुछ सबूत तौर पे कुछ मिला है? जी, जब मैं घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां देखा कि पूजा पटेल मेरी बच्ची जो है तो उसके सिर में काफ़ी चोट लगी थी, उसका शरीर उसके सिर से खून बह रहा था और मैं उसको मैंने मृत पाया, उसको मार के तख्ता पर लिटाए हुए थे। जब हम लोग देखे तो वो
मृत थी, लगभग एक घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। शरीर में उसकी कई जगह निशान थे। इसकी जानकारी आपने किसको दी और इसके बाद क्या आपने निर्णय लिया? इसकी घटना की जानकारी मुझे इस लड़की के ससुर द्वारा भतीजे को दी गई और भतीजे द्वारा मुझे जानकारी मिली 9:30 बजे रात्रि को, 1 तारीख की रात्रि 9:30 बजे। हम लोग छः सात लोग वहाँ घर से चले, 10:30 बजे यहाँ परसा पहुँचे। परसा पहुँचने के बाद देखा घटना देखने के बाद हम पुलिस को फ़ोन किए। 1/2 घंटे बाद पुलिस आई और पुलिस अपने हिसाब से अपनी जांच की और वो पुलिस देखी। देखने के बाद पुलिस ने कहा कि इसकी मारने से मौत हुई। आप इस घटना को लेकर शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं कि इन चारों को सशक्त कारावास दिया जाए और यहाँ तक कि जिस तरह से बुलडोजर बाबा का न्याय है उस तरह से इसके साथ बर्ताव किया जाए। चारों को सशक्त कारावास किया जाए, फांसी दी जाए और इसके घर में बुलडोजर चलवाया जाए ताकि किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरह की बात आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल पटेल। निवासी ग्राम झूसी, थाना नई गढ़ी, जिला रीवा। मत ग्राम परसा में जो घटना हुई है उसमें आप उस बच्ची की क्या लगते हैं और आपका क्या कहना है? हमें रिश्ते से भाई लगते हैं। हम पूर्व सरपंच थे और जब हम घटना के बारे में हमको जानकारी हुई तो हम इस ग्राम पर वहाँ से चलकर परसा गांव आए, 10-20 लोगों को, और हमने देखा कि ये अपराधी ससुर सास और ननद मिलकर ये अपराध किए हैं, मारे हैं लाठी डंडा से। इनको भारी से भारी सजा दिया जाए, इसलिए कि बीच बीच में ये ननद और इसका आदमी प्रताड़ित करते आए हैं। बीच में मारते थे, बीच बीच में संदेशा आता था कि ये काफ़ी दिनों से प्रताड़ित किया जाता है बच्ची को, और कल रात में ये ऐसे मतलब मारे हैं, किसान लीजिए इसकी हत्या कर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को फांसी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई इस घटना के बाद? पुलिस विभाग द्वारा SDOP आए और TI और SI आए तो हो गया, कहीं ना कहीं जांच पड़ताल किए हैं और आशा दिए हैं कि कड़ी से कड़ी हम सजा देंगे, कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से आश्वासन दिया गया। शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन से ये मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, फांसी की सजा दिया जाए ताकि समाज में आए दिन ऐसा अपराध ना हो। यही क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालताप साहब पटेल है।